नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, ये जो पूरा वीडियो है ये कह लीजिए बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो चीज़ें जिस तरह से टर्न आउट हो रही है दोस्तों, ये पॉजिटिव नहीं है। प्लस जो रीसेंट डेवलपमेंट हुई है, जो पुतिन ने कुछ ही समय पहले जो बात कही उन्होंने, वो एक कह लीजिए काफी नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकती है। और देखिए, जो उन्होंने कहा है वो दिख रहा था, ऐसा नहीं कि अचानक से उठे हैं और ये बात कह रहे हैं। क्या है पूरा मामला ये बताऊंगा, क्यों एज अ निवेशक एज अ रिटेल निवेशक हमें डरना चाहिए, प्लस ज़ीरोधा के जो फाउंडर हैं कामत साहब, उन्होंने क्या बात कही है ये बात करूंगा। तो इन सब चीज़ों के साथ जब आपके साथ ये सब चीज़ें मिलेंगी, आपको जो चीज़ मैं आखिर में बताने की कोशिश करूंगा, प्लीज़ उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक बातें तो ठीक है, मैं करता ही हूँ, लेकिन अभी इस समय निफ्टी के ऊपर बात करना, सिनेरियो के ऊपर बात करना, जियोपॉलिटिक्स के ऊपर बात करना इसलिए ज़रूरी है। गाइस, हम बहुत डेलिकेट मोमेंट में बैठे हुए हैं और सिर्फ कुछ कह लीजिए नेताओं की गलत डिसीजंस या कह लीजिए ईगो, किसे कहते हैं ईगो, प्राउड और कि लालच, ये चीज़ बहुत ज़्यादा कह लीजिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। दोस्तों, वो देश तो हैं ही, चाहे वो रशिया हो, यूक्रेन हो, जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है, हम जैसे लोग, हमें भी आज नहीं तो कल उसकी उस वहाँ जो आग लगी उसकी हीट हमारे तक आएगी। यूरोप हो गया, यूएसए हो गए, वो तो दोस्तों ऐसे हैं कि वो बड़े लोग कहते ना, एक ठो बड़ी इकोनॉमीज हैं, बिल्कुल वहाँ हालत ख़राब है, मैं ये नहीं कहता मैं, और शायद और भी होगी, लेकिन उसे झेल जाएंगे, उनकी इकॉनमी में बस कह दे पैसे बहुत हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम एज अ निवेशक, एज अ रिटेल निवेशक, जो थोड़े बहुत पैसे जो रहते हैं हम उसे मार्केट में निवेश करते हैं, हमारे लिए चीज़ें समझना, हमारी साइकोलॉजी को बराबर तैयार रखना, ये बहुत ज़रूरी है। और इसलिए मुझे लगता है ये वीडियो आपको अंत तक ज़रूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले तुरंत से चैनल, अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, औरों के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए इस वीडियो को। मैं कहूँगा प्लीज़ अपने दोस्तों, कह लीजिए अपने रिश्तेदारों, जो भी निवेश करते हैं या रिटेल निवेशक, उन्हें प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो आप प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सीधा आपको मैं लेके चलूँगा इस निफ्टी की तरफ। देखिए, 1.53% की गिरावट हुई है। जो ये चार्ट आपको दिख रहा है, इसमें कुछ एक चीज पॉजिटिव है, एक चीज नेगेटिव है। सबसे पहले नेगेटिव, 16,500 को इसने तोड़ दिया है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, ठीक है, ये टूटा। फिर नेक्स्ट सपोर्ट जो था वो 16,150 के आसपास का था दोस्तों, ठीक है। और मैं ये कह रहा हूँ कि 16,150 के आसपास था, और मैं ये कह रहा हूँ ये जो 16,150 था, वहां से निफ्टी ने एक अच्छा बाउंस किया। ये देखिए 16,144 गया और वहां से लगभग इसने आप कह लीजिए 1.84% की तेजी दिखाई, ठीक है। फिर वहां से गिरा वो, ये बात भी सही है, 16,224 में बंद हुआ। इसने अपना जो एक लेवल है 16,150 से लेकर के 16,150 से लेकर के 16,200 को इसने अच्छे से बचाने में कामयाब रहा, ये ठीक है। अब आगे क्या, देखिए आप समझिए, अभी जो है मंडे के लिए अगर इफ 16,000 टूट करके और उसके बाद 15,900 ये लेवल्स को अगर ये तोड़ दे दोस्तों, 15,900 तोड़ेगा तो दोस्तों भूल जाइए, बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है। लेकिन अभी 16,000 तोड़ता है तो भी ये बहुत ज्यादा निगेटिव होगा और चांसेस इस बात के बहुत ज़्यादा है कि ये टूटेगा। देखिए, मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं निवेशक नहीं, दोस्तों मैं भी एक निवेशक हूँ, मैंने भी इसमें इन्वेस्टमेंट की है मार्केट में, और मेरा पोर्टफोलियो भी लाल नहीं है, गहरा लाल है। तो मुझे भी पता है जब मैं ये बात कह रहा हूँ कि गिरावट होगी, तो वो गिरावट एक सीवियर गिरावट की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो गिरावट है 16,500 ये क्या है। देखिए दोस्तों, कई लोग कहते हैं भाई बाय ऑन डिप, ये डिप क्या होता है, पहले आप एक चीज समझिए, जब जो डिप है ना दोस्तों
वो समय के साथ बदलता है। जब बाजार कह लीजिए थोड़ा सा सेल ऑफ होता है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग रहती है, तब हर 500-600 पॉइंट अगर नीचे निफ्टी गिरता है तो वो थोड़ा सा एक्युमुलेशन का जोन पड़ता है। लेकिन जब पूरा ग्लोबल में इस तरह का कह लीजिए एक खतरा हो, जब कह लीजिए दो बड़ी शक्तियां यूएसए और रशिया जैसी बड़ी शक्ति आपस में सामने हो, ग्लोबल बाजार की धज्जियां उड़ने में समय नहीं लगेगा दोस्तों, ठीक है। और जिस तरह से वेस्टर्न कंट्रीज ने, नाटो ने जिस तरह से सैंक्शंस लगाए हैं रशिया पे, आप मुझे बताइए, जो रशिया है, मान लीजिए हमारा बेयर है रशिया, रशिया है, इसकी आपने करेंसी खत्म कर दी, ठीक है, आपने करेंसी खत्म कर दी, आपकी जो पावर थी वेस्टर्न कंपनीज की, ठीक है, आपके पास जो वेस्टर्न कंट्री वेस्टर्न कंपनीज की पावर थी, कह लीजिए क्या क्या है वो है एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट ने भी मना कर दिया है, एप्पल बोली हम वापस आ रहे हैं, तो ऐसी कंट्रीज वहां से वापस आ रही है, आपने वहां की सर्विस बंद करा दी, आपने वहां कह लीजिए जो भी ट्रेड था उसे खत्म ही कर दिया लगभग, तो क्या ये कंट्री क्या बचेगी, ये कंट्री क्या करेगी, ये लड़ेगी। और देखिए व्लादिमीर पुतिन जब कुछ बात बोलते हैं ना तो वो एवे नहीं बोलते हैं, ठीक है, उन्होंने कहा था भाई प्लीज नेटो के पास मत जाओ, हम यूक्रेन को नेटो के पास नहीं जाने देंगे, स्ट्रिक्ट वार्निंग दी, उसको एक बफर जोन की तरह रखो। लेकिन क्या हुआ, वेस्टर्न कंट्रीज ने क्या किया, बोला नहीं भैया हम आपको लेंगे, आप एप्लीकेशन डाल दो। और यूक्रेन देखिए अभी प्रॉब्लम ये नहीं है, यूक्रेन के साथ जो अभी जेलेंस्की हैं जिनको सब कह लीजिए हीरो बोल रहे हैं, वो प्रो अमेरिका है, प्रो यूएस है, क्योंकि जो उनकी अपोजिशन पार्टी वाले थे वो प्रो रशिया थे, उनको तो भगा ही दिया गया, आपने उन्हें जेल में डाल दिया, तो एथिक्स की बात तो यहाँ कहीं है ही नहीं। रशिया जो इतना अपना कह लीजिए टेरिटोरी को लेकर के इतना एग्रेसिव है, यूएसएसआर जो एक समय में यूएसएसआर के अंडर में आता था उसको लेकर के एग्रेसिव था और उसने अटैक कर दिया, अब हो क्या रहा है, नेटो तो भेजेगा नहीं सेना, आपको पता है इंग्लिश मीडियम स्कूल के दोस्तों की बात जैसे मैंने हमेशा की है, जब तक सब स्थिति अच्छी रहती है वो आपको बढ़िया बड़ा बड़ा बात करते हैं, सपोर्ट करते हैं, अधिकतर ऐसा होता है, लेकिन जब एक्चुअली बात करने की बात आती है तो आपको पता है क्या होता है, ठीक है, ये अधिकतर केस में होता है, मैं कोई ऐसा जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, तो कोई अगर इंग्लिश मीडियम के दोस्तों आई एम सॉरी, ठीक है। और अभी अभी देखिए ये कुछ 1-2 घंटे 1-2 आवर्स पहले की ये खबर है दोस्तों, क्या है, पुतिन सेज वेस्टर्न सैंक्शंस आर अकीन टू डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, ये बहुत बड़ा बयान है दोस्तों, और समझ लीजिए ये बहुत ही ज्यादा बड़ा बयान दिया गया है। इसमें रशिया कह रहा है कि भाई जो आप कर रहे हैं ना, जो हमारे ऊपर इतने बड़े बड़े सैंक्शंस लगा रहे हैं, ये एक्ट ऑफ वॉर है, और यकीन मानिए ये कोई बहुत बड़ी बहुत छोटी बात नहीं है, अगर ऐसा होता है एक आप ये युद्ध और बड़ा होता हुआ आपको दिख सकता है। और देखिए यही कारण है नाटो अपनी सेना इसीलिए नहीं भेज रहा, आप सुन रहे होंगे कि भाई बड़ा अंडरस्टैंडिंग ओवेशन मिलता है ज़ेलेंस्की को, सब बड़ा बड़ा बात कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही है, यूक्रेन आज अकेला खड़ा है, आप 2-4 हथियार भेज के अपने आप को कह सकते हैं दोस्तों गंगा में हाथ धो सकते हैं, ये सोच के हमारे पाप धुल जाएंगे, नहा सकते हैं, लेकिन ऐसा मतलब ऐसा आप कैसे कह सकते हैं, आपने एक पूरे देश को बर्बाद कर दिया आज यूक्रेन को, ठीक है। अब इससे हो क्या रहा है, अब इससे क्या हुआ है, रशिया में जो इतने बड़े आपने सैंक्शंस लगा दिए उसे वो एक्ट ऑफ वॉर कह रहा है, अब ये किस तरह मोड़ लेगा, क्या बड़ी बात होगी ये नहीं पता। और देखिए जो कामत साहब है ज़ेरोधा के, उन्होंने एक मैं कहूँगा काफ़ी अच्छी बात कही, आप उसे देखिए, उन्होंने कहा है मार्केट हैवन करेक्टेड दैट मच, दे हैव गॉन अप 100%। देखिए शेयर बाजार अभी उतना नहीं गिरा है, वो 100% ऊपर गया था एंड कम डाउन 12-13%, और गिरा केवल 12-13% है, बट इन टर्म्स ऑफ वॉलेटिलिटी वेन एवर यू सी 10-12% करेक्शन दे टेन टू करेक्ट अ बिट मोर। अगर आप वॉलेटिलिटी देखिए और कोई अगर निफ्टी का 10-12% टूटता है तो उसमें गिरावट थोड़ी और हो सकती है, ठीक है। सो आई वुड नॉट लाइक टू से दैट इट्स अ गुड टाइम टू बाय, ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि एक बहुत अच्छा समय बाय करने का, देर इज प्लेंटी ऑफ न्यूज कमिंग आउट ऑन एन आवरली बेसिस विद दिस जियोपॉलिटिकल टेंशन, ये जो रशिया यूक्रेन वॉर में जो चल रहा है हर घंटे कुछ ना कुछ बड़ी न्यूज आ रही है, इसलिए अभी बेस कहां बन रहा है या कह लीजिए निफ्टी किस ओर बढ़ रहा है ये कोई नहीं बता सकता, इसीलिए अभी उतने एंथुजियास्टिक होके एकदम से खरीदारी ना करें, एंड दैट इज गोइंग ऑन। सो आई थिंक पीपल वुड शुड वेट
see what happens with inflation and see what happens with the geopolitics of it all. I don't think the time is right yet to buy the dip. पर ये सही समय नहीं है डिप को बाय करने का, और मुझे लग रहा है बहुत ही ज्यादा सही चीज उन्होंने कही है. लेकिन मैं कहूंगा, जैसा मैं कह रहा हूं कि डिप किसी तो पता नहीं है, अचानक से ऐसा हो रहा है कि ये कल परसों न्यूज आ जाए कि भाई सब ठीक हो गया, रशिया कुछ मान गया है, सैंक्शन हट गए. मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, और शेयर तो भाग जाएगा ऊपर या निफ्टी भाग जाएगा, तब कैसे करेंगे? इसलिए एक स्ट्रैटेजी बनाइए. मैं हमेशा कह रहा हूं, हर आप कह लीजिए हर, देखिए इन्होंने भी किस वर्ड की बात की है, 12 to 13. और आप अगर मेरे पुराने वीडियोस देख रहे हैं, मैं हमेशा एक चीज कह रहा हूँ, 10 to 12% कम से कम गिरावट होने दीजिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो चाहे वो निफ्टी हो, उसके बाद ही सोचिए उसमें निवेश करने का और एवरेज आउट करने का. ठीक है, इससे आप जब देखेंगे कि अगर आप मान लीजिए 2 ही 3 बार किया, आपके पैसे भी खत्म हो गए सपोजली, और अभी 12% गिरा है आपने, ऑटमोस्ट 35% 32% तक गिरावट में से एक्यूमुलेट किया, या 25% तक एक्यूमुलेट किया मैं कहता हूँ, उसके बाद पैसे खत्म हो गए. मार्केट अगर गिरेगा भी तो भी आपके पास एक बहुत अच्छी एवरेज प्राइस में हर एक चीज़ होगी. दोस्तों यकीन मानिए, बहुत ज़्यादा वॉलिटिलिटी अभी बाजार में होने वाली है. 15,900 टूटेगा दोस्तों, बहुत गिरावट हो सकती है और बहुत बड़ी गिरावट हो सकती है. इसीलिए ऐसा रिटेल निवेशक प्लीज़ साइकोलॉजी की अपनी बहुत स्थिर रखें. आने वाला समय थोड़ा टफ हो सकता है, वॉलिटिलिटी से भरा हो सकता है, लेकिन बस हमें एक बात याद रखनी है, बाजार अंत में ऊपर ही जाएगा. कितना भी गिर जाए बाजार अंत में ऊपर ही जाएगा. तो अगर आपको ये पूरा एनालिसिस पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कीजिए और उनके साथ शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा. ये इस वीडियो का अंत है. जय हिंद दोस्तों.